हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल 2014 के बहाली में सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसएससी इंटर लेवल के मेरिट से पहले सेकंड लिस्ट जारी हो सकता है। जब तक पूरी सीट पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है, तब तक सेकेंड थर्ड लिस्ट निकाल कर पूरी सीट पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, उसके बाद मेरिट जारी किया जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही उर्दू अनुवादक पद हेतु एक नोटिस जारी किया गया, जो कि वह भी बहाली बीएसएससी के द्वारा भर्ती किया जा रहा है। इस बहाली में लिखित परीक्षा के बाद छात्रों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन जितने छात्रों को बुलाया गया उसमें से कुछ छात्र भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों पर योग्य नहीं पाए गए, जिस कारण पुनः कुछ छात्रों को सफल अभ्यर्थियों में से सेकेंड लिस्ट को निकालकर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। ये नोटिस आप सभी यहां पर देख सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट वेटनरी कॉलेज विज्ञापन संख्या 2/19 पद उर्दू अनुवादक, और ये नोटिस जारी किया गया 26/4/22 को। इसमें जो लिखा है इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें लिखा है कि विज्ञापन संख्या 2/19 पद उर्दू अनुवादक हेतु लिखित परीक्षा के उपरांत योग अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 3/3/22 एवं 4/3/22 को आयोजित की गई थी, जिसमें पर्याप्त संख्या में रिक्तियों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थी नहीं पाए गए। समीक्षोपरांत आयोग द्वारा विभिन्न कोटि के लिखित परीक्षा में शेष सफल अभ्यर्थियों में से मेधानुसार निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। तो आप सभी ने देखा कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थी नहीं मिल पाया, जिस कारण सेकेंड लिस्ट जारी किया गया। और आप सभी देख सकते हैं कि टोटल 308 अभ्यर्थियों का सेकंड काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। तो आप सभी ने देखा कि पहले मेरिट जारी नहीं किया गया और सेकंड काउंसलिंग के लिए 308 छात्रों का लिस्ट जारी किया गया। तो इसी तरह की संभावना बीएसएससी इंटर लेवल में देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लगभग 1500 से 1700 छात्र काउंसलिंग में अब्सेंट हो गए थे और कुछ छात्र डॉक्यूमेंट्स के कारण योग्य नहीं पाए जा सकते हैं, जिस कारण आयोग सेकेंड लिस्ट जारी करेगी। सेकेंड काउंसलिंग के बाद अगर सीट फुल नहीं होती है तो थर्ड लिस्ट जारी किया जाएगा, और सीट फुल होने के बाद मेरिट को जारी किया जाएगा। तो सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी हो सकती है। अब देखना है कि आयोग सेकेंड लिस्ट कब तक जारी करती है, या पहले मेरिट को जारी करती है उसके बाद सेकेंड लिस्ट को जारी करेगी। आप सभी को क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएँ, और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।